ये जो लोग खड़े हैं ना, ये भी पुलिस के लोग भी आम आदमी, ये भी परिवार वाले हैं, इनको भी तकलीफ है और ये भी तकलीफ को समझते हैं। तानाशाही उत्तर प्रदेश में हो रही है, वहाँ पीड़ित परिवार से आप मिलने नहीं जा सकते, ना मीडिया के लोग जा सकते हैं। पीड़ित परिवार को बंधक बना के रखा गया है, पीड़ित परिवार को दबाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, न्याय की उम्मीदें खत्म की जा रही हैं, जो सबूत है उनको खत्म किया जा रहा है। ये न्याय की लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं होती है। जिस तरह से आज इंडिया गेट बंद करके हमें मजबूरी में अंत निर्णय लेके आंदोलन यहाँ करना पड़ा, उससे ये पता लगता है कि सरकार कितनी डरी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उससे मुझे उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा उत्तर प्रदेश में। हाई कोर्ट के सू मोटो लेने के बावजूद भी पीड़ित परिवार बंधक है, मीडिया के लोग नहीं जा सकते, प्रशासन के लोग जो लोग मिलने जा रहे हैं उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे में न्याय की जो बची खुची उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है। उसके लिए डीएम एसएसपी से ज्यादा दोषी वो है जो डीएम एसएसपी को ऑर्डर कर रहा है, और डीएम एसएसपी क्योंकि वो नुमाइंदे हैं, जन लोक सेवक हैं, तो मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं चाहते अपराधियों को सजा हो, और अगर कहीं भी अपराध होगा और अन्याय बढ़ता रहेगा, उसमें न्याय नहीं मिलेगा, तो वो न्याय के लिए खतरा बन जाएगा। यूपी में एक मामला नहीं हुआ है, हाथरस के बाद हम बलरामपुर, भदोही, लखनऊ, बुलंदशहर, आजमगढ़, मेरठ, उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल बन गया है। उत्तर प्रदेश में बहनें सुरक्षित नहीं है, हमें इसे रणनीतिक रूप से मजबूती से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परिवार वहाँ अभी उनके शिकंजे में है। हमें नहीं पता, ना मुझे, ना आपको, ना मीडिया के लोगों को उनके साथ क्या बीत रही है, उनके फोन छीन ले गए। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कानून बनाया था निजता का, लेकिन मेरा फोन क्यों छीना गया ये पूछ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है क्या? अगर दलित की बेटी भारत की बेटी है तो प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी थामे हुए हैं? वो कौन सी जाति का इंतजार कर रहा है? जब दलितों को नंगा लटकाया जाएगा मार मार के, क्या प्रधानमंत्री उसका इंतजार कर रहे हैं? प्रधानमंत्री चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, वो दलितों के पैर धोते हैं, वो कहते हैं दलितों का मत मारो, मुझे मार लो, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। इनके खोखले नारों के पीछे सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं राम राज्य चल रहा है, राम राज्य में बच्चियों की हड्डियां तोड़ी जाएंगी, उनका रेप किया जाएगा, उनका कत्ल किया जाएगा, उनके शव के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाएगा। पीड़ित परिवार की असहमति के बावजूद उसके शव को जो है पेट्रोल डाल के जलाया जाएगा, ये राम राज्य। और अगर न्याय के लिए लोग आवाज उठाएंगे तो उत्तर प्रदेश को चारों तरफ से सील कर दिया जाएगा। हमें उत्तर प्रदेश चलना पड़ेगा, अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ पूछ नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में पीड़ित परिवार की हालत में हमें नहीं पता लगेगा। मुख्यमंत्री तानाशाही नहीं छोड़ना चाहता, क्या आप नहीं चाहते कि बच्ची को न्याय मिले? चाहते हैं नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं कि और किसी बहन के साथ ऐसा देश में ना हो? तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं होगी, अगर हमें रोज आंदोलन किया करना पड़ा, जब तक न्याय मिलेगा तो हमें रोज आंदोलन के तैयार रहना। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? आप जान लीजिए, आप ये बात मेरी जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं हो सकता है। मैं एक बात आपके सामने कह रहा हूँ, गौर कीजिए। बात यह है कि एक बड़ी संख्या में दलित एमएलए जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, और एक बड़ी संख्या में बाबा साहब के संविधान के कारण एक बड़ी संख्या में सदन में एमपी बैठे हुए हैं, जिस तरह से वो सरकार के सारे पे चुप हैं,
ऐसा नहीं कि बीजेपी में महिला नेत्रियां नहीं है, हमारी बहनें हैं, लेकिन जिस तरह से वो सरकार के सहारे पे चुप है तो हमें दुख होता है कि दलित की बेटी रहती है। उसी तरीके से जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वहां के अधिकारी कर रहे हैं, तो दोषी सिर्फ DMSSP नहीं है, दोषी मुख्यमंत्री भी है। अगर आज मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने का काम करेंगे तो क्या 2022 में जब सत्ता पलटेगी मुख्यमंत्री बच जाएंगे? जिस तरह से सबूतों को खत्म करने का और पीड़ितों को पे दबाव बनाने का प्रयास किया, जैसे झूठे बयान SSP और ADG दे रहे हैं कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, क्या हम लॉ नहीं जानते हैं? जानते हैं। क्या हमें नहीं पता कि जब बहन निर्भया के साथ ये सब चीजें हुई थी तो अमेंडमेंट हुआ था और उसमें Section 375 की पुष्टि होती है, क्योंकि पीड़िता का मरने से पहले बयान है, उसका बयान ही उन अपराधियों को सजाए दिलाने के लिए काफी है। अगर सरकार की नीयत उसे बचाने की होती तो उसको बचा लिया जाता, उसको बचाया नहीं गया, क्योंकि अगर वो बच जाती तो चिल्ला के न्याय मांगती। मैं मांग करता हूँ और आप भी ये मैसेज दें कि पूरे देश में हमारे परिवार के लोग, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, जो लोग सफाई का काम करते हैं वो सफाई का काम बंद करें, बंद करें, क्योंकि कोरोना काल में भी हमारे लोग इस देश की गंदगी को साफ कर रहे थे, लेकिन जो गंदगी इनके मानसिकता में, इनके दिमाग में है, इनकी जो मानसिक गंदगी है, अब समय है उसको साफ करने का। इसलिए मैं मांग कर रहा था कि CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट उसका श्वेत संज्ञान ले और मामले को दिल्ली ट्रांसफर करवाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच हो, उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस आंदोलन में मदद कराइए। क्या आप इस आंदोलन में घर तो नहीं बैठेंगे? मैंने पहले पूछा, दोबारा पूछ रहा हूँ और दोनों हाथ उठा के जवाब चाहता हूँ। क्या बहनों का अपमान भारत बर्दाश्त करेगा? क्या प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री की चुप्पी हत्यारों को, अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रही है क्या? कितनी बार दलित जो है गुमराह होता रहेगा? अपनी दिमाग को ठीक करो। अगर न्याय चाहिए, इस देश में बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए, तो हमें संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। मैं आज रात में टीम से बात करके या कल हाथरस जाने घोषणा करूंगा और पूरे समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो हाथरस कूच करें। मैं देखना चाहता हूं कि लखनऊ की जो प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ, वहां बैठे मुख्यमंत्री की जेलों में कितनी जगह है और वो कितने लोगों को बंद करेंगे। अगर इस लड़ाई में अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए हमें मुकदमे, जेल, गोली, फांसी कुछ भी कबूल करना पड़ा तो हम अपने आदर्श करेंगे। हम अपने आदर्श विश्व रतन बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चल के और नौजवानों के आदर्श सही सरदार भगत सिंह और उधम सिंह के रास्ते पर चल के शहादत देने को भी तैयार रहेंगे, लेकिन इस देश में बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों हाथ उठा के बताओ, न्याय के खिलाफ लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? जैसे मैंने कहा, आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन के लिए आप तैयार होइए। आप घर रहें, बाहर रहें, सड़क पे रहें, गली पे रहें, घर में रहें, छत पे रहें, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहिए और जब जब मौका मिले आंदोलन का तो अपनी जान की परवाह करे बगैर आंदोलन में आके अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। हमें लड़ाई अपने बलबूते लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के जिस तरह के कार्यशैली उससे स्पष्ट होता है कि सरकार न्याय नहीं देना चाहती। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सब लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग पता है कि कहां से आपको पूरी जानकारी मिलती है, उस जानकारी पर नजर रखिए और आगे का जो भी निर्देश होगा उसको फॉलो कीजिए। भाई, और मैं गारंटी देता हूं कि जिस तरह से 29 तारीख को ये हुआ है, उसी तरह को याद कीजिए कि एक बार अंग्रेजों ने भी इस देश के वीर सपूत शहीद भगत सिंह की शव को भी इस तरह जलाया था चुपचाप जाके, और फिर इस देश में रेवोल्यूशन आया था, क्रांति आई थी और अंग्रेजों को भागना पड़ा था। हमारी बहन हमें रास्ता दिखा के गई है, उसने शहादत दी है, फिर क्रांति होगी।
कितनी बहनों को भूलेंगे आप, कितने भाइयों की शहादत को भूलेंगे आप रोहित को भूल जाएंगे, आप आदर्श की बेटी को भूल जाएंगे, आप बलरामपुर की बेटी को भूल जाएंगे, आप निर्भया को भूल जाएंगे, आप भदोही को भूल जाएंगे, तो कल ये आपके घर तक भी आएगी। आज समझ रहे हैं, ना भूलने ये ना भूलने देंगे आप। तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम इन काले अंग्रेजों को जो अन्याय कर रहे हैं सरकार में बैठ के इनको नहीं भगाते, समझ रहे हैं। क्या तो मुख्यमंत्री श्वेता इस्तीफा दें, वरना हम उनसे इस्तीफा जो है छीन कर लेंगे। जय भीम, बैठे रहे, मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ, मेरे बाद सब लोग उठेगा, मदद करेंगे या नहीं करेंगे, बैठे रहिए, अनुशासन का पालन कीजिए और बताइए कि हम यहाँ खुशी से नहीं आए हैं। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे दिलों में तकलीफ है। अगर आज हमें कोरोना की परवाह भी नहीं है तो वो इसलिए है कि हमें अपनी बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और उनकी सुरक्षा की लड़ाई को लड़ना है। धन्यवाद। विभू का भी कॉल है तो मुझे।